हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आद्विक क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, आज मेरा वीडियो रोज़ प्लांट पर है और मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में आप अपने रोज़ की देखभाल कैसे करें, खासकर पॉट में लगे हुए रोज़ की देखभाल कैसे करें। तो दोस्तों, ये मेरा रोज़ का प्लांट है, ये रेड कलर का रोज़ का प्लांट है, ये देसी गुलाब है और अभी इसने जाड़े में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग की थी। तो मैं आपको इसके बताऊंगी कि आप इसको गर्मी में कैसे केयर करें जिससे ये गर्मी में भी अच्छे से फ्लावरिंग करे और सूखे भी ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये मेरा रोज़ का प्लांट है, तो इसमें अभी इसने फ्लावरिंग करी थी, उसके बाद मैंने इसकी लाइट से इसकी कटिंग करी है। जहाँ जहाँ से फ्लावर आए थे मैंने वहाँ से इसकी अच्छे से कटिंग करी थी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इसमें जो येल्लो कलर की पत्तियाँ होंगी वो सारी मुझे हटानी है। तो जो भी पत्तियाँ आपको दिखे वो आप हटा दीजिए, कहीं भी आपको येल्लो करे। फिर जहाँ से देखिए मैंने कटिंग की है वहाँ से देखिए एक नई ब्रांच आ गई है और उसमें कलियाँ स्टार्ट हो गई हैं। देखिए, और भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी मैंने कट किया था और यहाँ से भी अच्छे से नई ब्रांच ग्रोथ करी है। और ये देखिए, इसमें भी ये कली आ गई है, ये देखिए, जहाँ जहाँ से भी मैंने कट किया था वहाँ से नई ब्रांच स्टार्ट होकर के उसमें बड्स आए हुए हैं। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने कट किया था और यहाँ से भी नई डाल आई हुई है, आप देखिए। तो इस तरह आप अपने जब आपके प्लांट फ्लावर देना बंद कर दे, जितनी भी बड्स आई हुई हो सब खिल चुकी हों, तो फ्लावर की जगह से आपको थोड़ा सा पीछे से कट कर देना है जिससे आपकी नई ब्रांचेज आ जाए। अब आपको करना क्या है कि आपकी जो सॉइल है ये पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। जब सूखी होगी तभी इसमें आप अपनी खाद वाद डाल सकते हैं। तो आप इसमें हमने अच्छे से गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो भी हो, हमारे पास जो भी अवेलेबल हो उसे हमें अच्छे से डाल देना है। गोबर खाद हो तो वो अच्छे से सूखी हो, काली हो जाए गोबर खाद, वो डालनी। तो मेरे पास इस समय गोबर खाद नहीं है तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट, ये मैंने मार्केट से परचेज़ की थी, मैं इसमें डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें अच्छे से पूरे ही प्लांट में इसको डाल दिया है। इससे आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत घना हो जाएगा। तो इसको डालने के बाद मैं इसमें पूरे अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है तो मैं अभी थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट इसमें और डाल देती हूँ और फिर उसको अच्छे से इसको भी मिक्स कर दूँगी। तो मैंने जितनी थी मेरे पास मैंने इसको डाल दिया है, अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद हमें इसमें दो चीज़ें डालनी है, जो दो चीज़ें हैं यही हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करवाएगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, बहुत घना बनाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे प्लांट में हमें डालना है DTP के दाने। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये DTP के दाने, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये मैंने लगभग एक चम्मच लिया है क्योंकि ये प्लांट मेरा गमले में लगा हुआ है और बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं इसमें एक चम्मच DTP के दाने इसके चारों तरफ डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने DTP के दाने डाल दिए हैं और उसको मैं फिर मिक्स कर दूंगी। तो इसको मिक्स कर देते हैं, इसको मिक्स करने के बाद दूसरा जादुई चीज़ है वो होती है कि आपका प्लांट बहुत अच्छा से ग्रोथ करे। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, उसके लिए मैंने मार्केट से ऑनलाइन परचेज़ किया है पोटाश। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास पोटाश है और इसमें लिखा भी है प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये वेजिटेबल्स में भी पड़ता है। तो ये मेरा गमले का पॉट है, पॉट में लगा हुआ है ये गमले में। तो ये इस प्लांट में मैं एक चम्मच इसकी क्वान्टिटी, एक चम्मच इसके लिए सफिशियंट है, तो मैं एक चम्मच पोटाश डालूँगी। तो पोटाश डाल देंगे हम इसमें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पोटाश लिया है और ये मैं पोटाश को डाल देती हूँ। अब इस पोटाश को भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ पूरे ही गमले में, जिससे ये मिट्टी में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। अब ये जब पोटाश मैंने डाल दिया है और मिट्टी क्योंकि काफ़ी ड्राई है तो इसके लिए मुझे वाटरिंग करनी होगी, तो इसमें मैं लगभग अच्छे से 2 मग पानी डालूँगी। ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है। अभी मैं 1 मग और डाल देती हूँ इसमें, जिससे कि मेरा जितना भी मैंने इसमें पोटाश और वर्मी कंपोस्ट और DTP डाला है वो अच्छे से पूरे सॉइल में अब्सॉर्ब हो जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा वाटरिंग और कर देती हूँ। अब ये कुछ ही दिनों में पूरा पेड़ बड्स और लीफ से भर जाएगा पूरा पेड़ प्लांट, तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी। और आप भी अपने गर्मी में अपने गुलाब के प्लांट में ये ट्रिक इसको फॉलो करिए और फिर देखिए कितने अच्छे अच्छे बड्स आते हैं और पूरा ही पेड़ आपका पूरी गर्मी भर फ्लावरिंग देता रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो दोस्तों, आप अपने प्लांट पर ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है प्लांट्स में, ये आपके प्लांट्स में काम कर रही है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।